हाय, कैसे हो सब। तो ये वाला आई मेकअप, ब्राउन स्मोकी आई मेकअप मैंने क्रिएट किया है करवा चौथ पर, या फिर आप दूसरे जो फेस्टिव सीजन, आप उस पर भी ये लुक क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इजी वे में मैंने आपको इसमें वीडियो में समझाया आपको कैसे ब्राउन स्मोकी आई करनी है, तो वीडियो को पूरा देखना। ओके, तो हम मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है टोनर। आप कोई भी रोज़ वाटर अगर आपके पास है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। इसको अच्छे से अपनी स्किन के अंदर ना पेनिट्रेट होने दो, इसको अच्छे से एयर ड्राई होने दो। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप लेना है, ये है मेरे पास सीरम, क्योंकि अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है तो मेरी स्किन है ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई वाली है, तो आपको सीरम अप्लाई करना है। तो सीरम मैंने लिया है एस्टाबेरी ब्रांड का है ये, और विटामिन सी का फेस सीरम। आपके पास जो भी सीरम है आप वो ले सकते हो। सीरम नहीं है तो आप एक हैवी सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो, ताकि जो आपका फाउंडेशन है ना बिल्कुल भी पैची सा ना लगे। तो मैंने देखा आपने बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ये मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है, और ये है गुड वाइब्स का सेफ्रन क्रीम। आप कोई भी हैवी क्रीम अगर आपके पास है मॉइस्चराइजर, एज ए मॉइस्चराइजर आप वो भी लगा सकते हो। तो मैंने अच्छे से अपनी स्किन को, आपने देखा, मॉइस्चराइज कर लिया है। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा अपनी स्किन में हाइड्रेशन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एसक्यू का, मेरे पास था ये प्राइमर ऑयल, तो इसे मैं अपने फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आपने देखा मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज कर लिया है। एक बात का ध्यान रखना है, आप जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हो ना उनको थोड़ा थोड़ा गैप दो, मतलब थोड़ा सा उनको टाइम दो ताकि वो स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद आप दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करो। ओके, यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का एक एल्यूमिनेटिंग जो प्राइमर आता है जिससे स्किन में काफ़ी ग्लो ऐड हो जाता है, वो मैंने अप्लाई किया है। और इसके अलावा अगर आपके पास मार्स का टेके ग्लो प्राइमर है वो भी आप ले सकते हो। ओके, यहाँ पर मेरा जो है स्किन प्रिपेयर हो गया है, मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइजर, टोनर, सीरम और प्राइमर सब अप्लाई कर लिया। तो अब बारी आती है फाउंडेशन अप्लाई करने की। तो मेरा जो फाउंडेशन है ये है लैक्मे 925, जो कि बोतल जो है वो आपने देखी मेरी फिनिश हो चुकी है, क्योंकि मैं काफ़ी उसको यूज़ कर चुकी हूँ। मेरा वो फेवरेट वाला फाउंडेशन है। मेरा जो शेड है ना वो है इसमें न्यूट्रल न्यूड। इस टाइप का आपको फ्लैट टॉप जो ब्रश आते हैं ना, आप उससे अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लो, या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो। मैं हमेशा ब्लेंडर से ही ब्लेंड करती हूँ, बट आज आपको दिखाया है कि फाउंडेशन ब्रश से आप किस तरह से ब्लेंड कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम, आपने देखा जो फाउंडेशन कितने अच्छे से जो है ब्लेंड हो गया है मेरे फेस पर, बिल्कुल भी ऐसे पैची जैसा नहीं लग रहा है, कोई क्रीज लाइन भी नज़र नहीं आ रही। और इसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ इनसाइट का, ये मैंने लिया है ड्यू। इसमें आपको 2-in-1 मिलेंगे, हाइलाइटर भी मिलेगा और कॉन्टोर भी मिलेगा। तो हम करेंगे फेस की कॉन्टोरिंग। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जो आईज़ का कॉर्नर है ना, लास्ट कॉर्नर, वहाँ तक आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से आपको कॉन्टोर करना अपने फेस को ताकि वो अपलिफ्ट लगे। ओके, हेयर लाइन आपने देख ली, वहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से ईयर हमारा स्टार्ट होता है ना, वहाँ से लेकर जहाँ पर आईज़ का ख़त्म होता है कॉर्नर, वहाँ तक लेकर जाना है। उसके बाद अगर आप जो लाइन को भी अगर शार्प दिखाना चाहते हो आप वहाँ भी कॉन्टोरिंग कर लो। नोज़ कॉन्टोरिंग भी आप इस तरह से लेकर कर सकते हो, बहुत ही ईजी वे है जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। इसके बाद आप इस तरह का एक एंगुलर सा एक ब्रश लोगे और उसको ना ऊपर की तरफ आपको ब्लेंड करना है, और जो मैंने जो लाइन का जो ड्रॉ किया था लाइन उसको आपको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। ओके, आप चाहो तो जो लाइन कर सकते हो, नहीं तो एज योर चॉइस। ओके, यहाँ पर फिर मैं ब्लश अप्लाई करूँगी, जो कि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, और जब से मैंने इसे यूज़ किया ना ये मेरा फेवरेट बन चुका है। ज़्यादा प्राइसी भी नहीं है ये, आपको 200-250 की प्राइस में मिल जाएगा। और ये है ब्लू हेवन का किस एंड जो ब्लश टिंट आता है ना वो है, मेरा जो शेड है वो है फ्लैसी पिंक। इसमें आपको कोरल शेड और भी बहुत सारे शेड हैं, तो मेरा मन है कि मैं कोरल शेड भी ज़रूर से ट्राई करूं, और आपके साथ ना एक पर्पल होल शेयर करूंगी। तो उसमें ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगी। ओके, आपने देख लिया मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया, और कितने अच्छे से नेचुरल सा लुक देता है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। इसके बाद मैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर, जिसका जो शेड है ना वो है 02 सेंट सेबल, और अंडर आई को मैं हाईलाइट करूँगी। और आपने देखा मैंने फोरहेड पर भी अप्लाई किया, नोज़ पर भी, तो यहाँ सबको
अच्छे से हाईलाइट करने के बाद जो भी हमने क्रीम प्रोडक्ट्स अप्लाई किए हैं ना, आई मीन जो भी हमने रायता फैलाया ना, हम उनको अभी अच्छे से समेटेंगे. ओके, तो मैंने यहाँ पर लिया है एक पाउडर. आपके पास अगर लैक्मे का लूज पाउडर तो वो भी अच्छा, आप वो भी ले सकते हो. मैंने यहाँ पर इनसाइट का लिया है बनाना पाउडर, और उसको ना उससे ना अपने फेस को अच्छे से जो है वो सेट कर लिया है. सेट आपको करना बहुत जरूरी, इससे आपका जो मेकअप वो मैटिफाई भी हो जाएगा और क्रीज लाइन भी नहीं पड़ेंगी. इसके बाद मैंने मार्स की पैलेट से ये ब्लश लिया है और मैंने अप्लाई कर लिया. जो क्रीम ब्लश लगाया था उसके ऊपर मैंने पाउडर ब्लश भी अप्लाई किया है. ओके, इसके बाद मैंने लिया है मेकअप फिक्सर जो कि था स्विस ब्यूटी का. इससे अपने मेकअप को मैंने सेट कर लिया ताकि जो मेरा मेकअप है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, उसकी लॉन्जिविटी बढ़ जाए. अब हम करेंगे फेस को हाईलाइट, जो कि मैंने हाईलाइटर लिया, आपने देख लिया मैंने इनसाइट का जो आपको दिखाया था उसी में से मैंने हाईलाइटर ले लिया और उससे अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लिया, चीक बोन्स को एंड ब्रिज ऑफ द नोज, लिप्स पर भी हल्का सा लगा लिया. फेस को हाईलाइट करने के बाद हम करेंगे अभी आई मेकअप. जब भी आप आई मेकअप करते हो ना तो कंसीलर से अपनी आईलिड के ऊपर अच्छे से उसे अप्लाई कर लो, और उसके बाद आपको सेट भी करना है एक पाउडर की हेल्प से ताकि क्रीज लाइन बिल्कुल नहीं दिखे. तो अच्छे से आप ये सब अप्लाई कर लो. ओके, ताकि जो भी हम शेड अप्लाई करेंगे ना वो बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा. और अब हम स्टार्ट करेंगे. तो अगर आपको ब्राउन स्मोकी आई नहीं करना आता है ना तो आप इस तरह से करोगे ना तो बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे. तो मैंने यहाँ पर एक लिपस्टिक ली है, आपने देखा मैंने स्विस ब्यूटी का एक कोरल सा शेड लिया है जिसका जो शेड नंबर है वो 9 क्यूट न्यूड. आपके पास कोई भी कोरल सा शेड है ना वो आप पूरी आईज़ के ऊपर अप्लाई कर लो. उसके बाद एक ब्राउन सा डार्क ब्राउन सा शेड लेकर अपने आईलिड के ऊपर आप अप्लाई कर लो. ओके, उसके बाद ये मैंने क्लीन सा ब्रश लिया है और इससे मैं जो भी हार्श लाइन दिखाई दे रही है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी. अपने लोअर लिड पर भी यही वाला जो शेड है ब्राउन वाला वो मैं अप्लाई करूँगी. जब भी आप लैसेस लगाते हो उस पर ग्लू लगाकर आप कुछ टाइम तक उसे रख दो, तब तक हम अपने लैसेस को कर्ल कर लेंगे एक लैसेस कर्लर से. उसके बाद मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पर पर्पल का, और जो ग्लू था ना वो था कैलालिसिस का. मस्कारा अप्लाई करोगे ना अपने लैसेस को तो अच्छे से जो है वो फॉल्सेस अप्लाई हो पाएंगी. तो आपने देख लिया मैंने इसके बाद फॉल्सेस अप्लाई कर ली, और इनके ऊपर भी मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मेरी रियल लैश हैं और जो फेक लैश हैं वो दोनों ही मिक्स हो जाएं अच्छे से. इसके बाद ये जो लाइन सी दिखती है ना लैसेस लगाने के बाद ऊपर ग्लू टाइप का, तो वो ना दिखे इसके लिए लाइनर भी ज़रूर से अप्लाई करना है. ये मैं लिपस्टिक ले रही हूँ यहाँ पर, एक्चुअली मैंने दो लिपस्टिक ली थी जो मैं आपको बताती हूँ. एक तो थी ग्लैम की और माई ग्लैम की, और दूसरा जो शेड था ना वो था NYB की लिपस्टिक थी और शेड था इसका मग्स एंड हग्स. काफ़ी अच्छा सा न्यूड ब्राउन सा शेड है, और दोनों ही लिपस्टिक जो है उनको मिक्स करके मैंने अप्लाई कर लिया. ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इतनी देर से क्या खाए जा रही हूँ. आप भी सोच रहे होंगे कब से मुंह चलाए जा रही है. तो यहाँ पर ना ये वाले जो बेर आते हैं ना छोटू छोटू से, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं. आपको पसंद है क्या ये वाले? बड़े वाले जो होते हैं ना वो मैं कभी नहीं खाती, बट ये वाले तो ओ माई गॉड मेरे तो फेवरेट हैं ये. ओके, इसके बाद मैंने लिवोन का ये सीरम लिया है. जब आपके हल्के से गीले बाल होते हैं ना तब आप ये वाला सीरम अप्लाई कर लो अपने लेंथ के ऊपर. ओके, आपको लेंथ के ऊपर अप्लाई करना है. उसके बाद हम यहाँ पर कर्ल कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पर स्पीड ना थोड़ी सी तेज़ कर दी तो मेरा मुंह भी तेज़ तेज़ चल रहा है. तो ओके, यहाँ पर ये जो रखड़ी मैं पहन रही हूँ ना, रखड़ी बोलते हैं हमारे राजस्थान में, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? तो ये जो मैं रखड़ी पहन रही हूँ ना ये है मीशो की. ओके, मीशो से मैंने बाय की थी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. तो इसको मैंने इस तरह से जो है वो पिनअप कर लिया. उसके बाद ये जो इयररिंग्स पहन रही हूँ ये भी मीशो के हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं और इनका वेट भी ज़्यादा नहीं है. बिंदी के बिना तो लुक कंप्लीट ही नहीं होता. तो ये रहा हमारा फाइनल लुक. आप ये वाला जो आई मेकअप है ना, ये पिंक ड्रेस अगर आप करवा चौथ पर पहन रहे हो, या फिर मैरून पहन रहे हो, रेड पहन रहे हो, येलो, सबके ऊपर ये आई मेकअप मतलब अच्छा लगेगा, तो आप कर सकते हो. और आपको मैंने बता दिया कितना ईजी है ना ये करना भी. तो आपको मेकअप लुक ये कैसा लगा आप मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ अभी की अभी. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल.
और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा ना तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लेना यार, ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, है ना। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कौन सा लुक क्रिएट करूँ आप मुझे वो भी बताओ। बाय बाय, टेक केयर।